हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सेफ और हेल्दी है। मैं जा रहा हूँ सिरसी से कल्याण मुंबई, फिर से रिटर्न, अपना छुट्टियों ख़त्म हो गए। तो ऑलमोस्ट अभी बजे 4:45 के आसपास का टाइम हो चुका है और मुझे कवर करना है 806 किलोमीटर 16 आवर्स का दिखा रहा है, ज़्यादा ही टाइम होगा, लेकिन निकलते हैं तुरंत। तो ऑलमोस्ट एक घंटा चलाने के बाद पेट्रोल भरना पड़ा, ऑलमोस्ट 4149 रुपीज़ का पेट्रोल 40 लीटर्स मिला है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मेरी बिल्ली कर रही है बुश, तो पूरा गाड़ी घूमते रहते, बहुत मज़े में रहते हो। तो गाड़ी चलाते चलाते बहुत ही मस्त रोड पे आ चुका हूँ मैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो दोनों साइड पे ग्रीनरी है, ये रोड मुझे बहुत ही मस्त लगता है और एक्चुअल में बहुत ही मस्त रोड है। वीडियो में पता नहीं आपको कितना सही लगेगा, पसंद आया कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसे रियलिटी में बहुत ही मस्त है। वैसे तो पूरा कर्नाटक बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कर्नाटक के बारे में, बहुत ही अच्छे अच्छे जगह पे गया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर क्या बोलने का, आप देख लेना। मैं आई बटन के लिंक में भी दे दूँगा वीडियो, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत किया वीडियो के पीछे और बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मैंने लिए हैं जो कि मुझे भी वहाँ जाके पता चला। तो आप भी वो वीडियो देख के ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसे वीडियोस थे, और कर्नाटक के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको भी कैसा लगा कर्नाटक। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा तो और भी अलग अलग प्लेसेस में जाके बहुत एक्सप्लोर करूँगा, आपको वीडियोस लेके आऊँगा। तो आज तो अभी छुट्टी ख़त्म हो गई तो फिर से जाना पड़ेगा। छोटे छोटे गांव है उनके बीचों से ये रोड जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये रोड। तो ऑलमोस्ट अभी 3 से 3.5 घंटा हो चुका है मुझे गाड़ी चला के। तो अभी ऑलमोस्ट 9:50 हो गया तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके, ब्रेकफास्ट मस्त किया इडली और चाय, ब्रेकफास्ट करते ही फिर निकल गया। रोड तो मस्त पूरा खाली है तो जितना हो सकता है उतना अच्छे से कवर कर लेते। गाड़ी तो बहुत ही मस्त चल रही है और रोड भी बहुत ही मस्त है। मेरे साथ अभी मारुति सुजुकी XL6 कार है, तो गाड़ी के बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि बहुत ही मस्त चल रही है गाड़ी, माइलेज भी अच्छा खासा दे रही है और फुल फैमिली के साथ AC में अच्छे से चल रही। तो देखते हैं फुल टैंक में कितना कवर कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट मुझे माइलेज अभी तो 17 दिखा रहा है, लेकिन हाईवे पे अच्छे से ये 18-19 तो आराम से क्रॉस कर जाते, डिपेंड करता है कि रोड कैसा है क्या है सब। अगर आपको भी XL6 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको टूल एकदम जेन्युइन रिव्यू दूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे अभी ये 2 साल होने आए, तो अभी 18,000+ किलोमीटर्स तो कम्प्लीट हो चुके हैं। तो अभी मुंबई जाते ही इसका 4th सर्विसिंग का टाइम आ जाएगा, तो उसका भी वीडियो जरूर लेके आऊँगा मैं, 4th सर्विसिंग में क्या कॉस्ट होता है, क्या क्या सर्विस होता है। फिलहाल तो मैं पहले तो सोचा था कि ट्रिप कर गए उसके बाद ही सर्विसिंग करूँगा, जो कि सेंस बनता है। इस रोड पे थोड़ा सा काम चालू है करके थोड़ा स्पीड कम हो गया ना, तो ऑलमोस्ट मैं अच्छा खासा 80-90 के स्पीड में अच्छे से कवर कर रहा था। सिरसी टू मुंबई बीच में ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे काम चालू है, लेकिन डाइवर्सन से इतना अच्छा है कि रोड उन्होंने अच्छे से रखा है कि एटलीस्ट सब अच्छे से गाड़ी पास हो सकती है, और रोड भी नीट एंड क्लीन है, कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो हुआ नहीं। सिरसी में आने के टाइम पे भी ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं, तो देखते आगे का सफ़र कैसा होता है। हम लोग तो मस्त गाना बिना सुन के एंजॉय करके जा रहे हैं, मेरे बिल्ली बुश भी मस्त मज़े में, उसका कुछ ज़्यादा टेंशन रहता नहीं, वो हमारे साथ हर एक ट्रिप में आता है तो अपने इसमें मस्त रिलैक्स होकर रहता है वो, क्योंकि अच्छा लगता है उसको भी और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे साथ घूमने उसको भी मिल रहा है। उसको तो पेट्रोल नहीं भरना है, कुछ करना नहीं है, मस्त साथ में घूमना है।
और रह भी लेता अच्छे से। तो ऑलमोस्ट अभी अच्छा खासा रोड तो कवर कर लिया मैंने, तो अब लगी है भूख। आफ्टरनून का भी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 2 बज के तो गए, तो अभी सबको ही भूख लगा है। तो एक अच्छा सा ढाबा रहते, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते, ऐसे सब जगह पे आएगा तो यहाँ का खाना खाने अच्छा लगता है। मैं तो मोस्टली ऐसे जगह पे आता हूँ तो मुझे ढाबा का थाली वो सब खाने पसंद है, भाकरी और भाजी या नॉनवेज जो भी मेरा मस्त एकदम अच्छे से, लेकिन भाकरी चाहिए। तो देखते एक अच्छे से रेस्टोरेंट है तो ढाबा देखते हैं नज़दीक में, वैसे तो बहुत सारा तो है ही, अच्छे जगह पे किधर तो रुकते हैं जाके सब दिन भी अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। और तो थोड़ा आधे घंटे का भी ब्रेक हो जाएगा जिससे कि बिल्ली भी थोड़ा घूम लेगी अच्छे से। यहाँ तो लाइन से है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, तो एक देखते अच्छा सा कौन सा रेस्टोरेंट पर रुकता हूँ मैं। गाड़ी की लो, गाड़ी को तो पेट्रोल डालने की तो गरज है नहीं लगता है, कि मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट ये पहुँच जाएंगे, क्योंकि आने के टाइम तो ऑलमोस्ट 1 फुल टैंक में ये पहुँच गए थे अच्छे से, क्योंकि माइलेज तो अच्छा है तो रोड भी अच्छा है, तो गरज तो पड़ा नहीं था। इस टाइम भी देखते 1 फुल टैंक में पहुँचते करके। तो मुझे एक मस्त सा होटल मिला है, होटल वीरंगुला, तो मैंने चिकन मंचाओ सूप, चिकन थाली और वेज थाली मंगाया, क्योंकि बहुत ही मस्त है और बहुत ही टेस्टी था। तो अच्छे से पेट पूजा हो गया, सबने रेस्ट किया, गाड़ी ने भी आधे घंटे का ऐसा पूरा रेस्ट मिला, तो फिर निकल पड़े अपने सफ़र पे। तो ऑलमोस्ट अभी पूरा सिटी का रोड है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा बाहर दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे कर्नाटक की वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे होंगे, आई बटन में तो वीडियो दूंगा ही और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज़ ज़रूर देख लेना और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन पे प्रेस जरूर करना जिससे कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे मुंबई जाते मैंने बताया कि गाड़ी का फुल सर्विसिंग का भी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।